क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये था क्वेश्चन नंबर थ्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, तो तभी बुक में देखें क्वेश्चन नंबर फोर, और ये 13.4 एक्सरसाइज का है। 13.4 तो द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून। ओके, बैलून है वो किस शेप में है? स्फीयर के शेप में है। ओके, ले लिया मैंने बैलून, ये स्फीयर के शेप में है। बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, एयर एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। तो पहले जो रेडियाई था वो कितना था? 7 सेंटीमीटर था, लेकिन जैसे उसमें हवा भरी गई तो बैलून क्या हो गया? बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया तो उसकी रेडियाई कितनी हो गई है? 14 सेंटीमीटर। कितनी हो गई है? 14 सेंटीमीटर। एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन टू केसेस। तो दोनों केसेस में हम क्या कर लेंगे? उनका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और फिर उनका रेडियो वो सॉरी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में देखें, आप देखें पहले फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में तो बलून पिसका हुआ है जहां पे रेडियस उसकी कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में जो रेडियस है, रेडियस ऑफ बलून कितनी है? 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस गिवन है। और सेकेंड केस में जो है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये बड़े बलून के लिए हवा भरने के बाद में कितना हो गया है? पहले था 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस गिवन है, तो पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? सरफेस एरिया, बिकॉज हमें रेशियो बताना है, वो किस में बताना है? सरफेस एरिया में बताना है। तो सरफेस एरिया किस शेप में है? स्फीयर के शेप में है। तो फॉर्मूला लगाएंगे स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब या कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ बलून। बात देखिए क्या होता है फॉर्मूला, अभी आपने यूज भी किया था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम स्मॉल वाले को स्मॉल आर से डिनोट कर लेंगे, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेंगे। पहले वाले की रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर लेंगे, और बड़े वाले बैलून को जो मतलब फूल के बड़ा हो गया उसको कैपिटल आर ले लेंगे। 4 पाई स्क्वायर 4 पाई, इसे हम पाई के टर्म में ही लिखा रहने देते हैं क्योंकि आगे जाके क्रॉस हो जाना है, रेशियो बताना है हमें। 4 पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस कितनी है? 7 है, तो 7 का क्या हो गया? स्क्वायर। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब इसके बाद 4 पाई इंटू 7 इंटू 7, ओके इतना है। ये किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में सरफेस एरिया, किसका? छोटे वाले बलून का। अब इसके बाद सेकेंड केस देखें, तो इन सेकेंड केस मैंने सॉल्व नहीं किया है। क्यों सॉल्व नहीं किया है वो आपको अभी आगे पता चल जाएगा। सेकेंड केस में रेडियस ऑफ बलून, रेडियस ऑफ बलून, ओके अब इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं बिकॉज ये सेकेंड केस में है, कैपिटल आर ले लिया। कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया इसमें भी हमें कैलकुलेट करना है, सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, या कह सकते हैं बलून, बिग स्फीयर या बिग बलून, ओके जो सेकेंड वाला हुआ, तो कितना हो गया? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 4 पाई कैपिटल आर, कितना है? 14, तो 14 का स्क्वायर। तो ये हो गया है 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हो गया। दोनों का सरफेस एरिया, एक का ये है और एक का ये है सरफेस एरिया, ठीक है ना। अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है। अब हमें बताना है रेशियो बताना है, ओके रेशियो में क्या करना होता है? रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, ओके तो पहले क्या है? स्मॉलर बलून का बेन है, तो उसका सरफेस एरिया कितना था? 4 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7, ऊपर ले लिया डिवाइड में बड़े वाले का, 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14। देखो सिंपली हमने दोनों का सरफेस एरिया रख लिया, इसका और इसका, ये सरफेस एरिया था, वैल्यूज रख ली है। अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत सारी वैल्यूज क्रॉस हो जाएंगे, 4 से 4 क्रॉस हो गया है, पाई से पाई क्रॉस हो गया है, 7 2 14 7 2 14, कितना आ गया है? 1 डिवाइड बाई 4, ओके 1 डिवाइड बाई 4। अब सरफेस एरिया का जो रेशियो आया है वो 1 डिवाइड बाई 4, यानी कह सकते हैं हम इसको 1:4, so hence
द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इन टू केसेस, दोनों ही केसेस में रेशियो जो आया वो कितना आया, 1:4 आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे पहले बलून का रेडियस था वो कितना था, 7 सेंटीमीटर था। क्वेश्चन में गिवन है कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जा रहा है, आर बीइंग पंप्ड इनटू एयर, जैसे इसमें हवा भरी जाती है, एक ही बलून लेकिन उसमें हवा भर दी गई है तो बड़ा हो गया। तो रेशियो बताना है सरफेस एरिया का बलून का दोनों केसेस में। तो फर्स्ट केस में सरफेस एरिया ये कैलकुलेट किया, सेकंड केस में सरफेस एरिया ये कैलकुलेट किया है, और फिर दोनों का रेशियो यहाँ पे ये फाइनली तो कितना आ गया है, 1:4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी तक के लिए वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।